वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने इतने सारे सिंगोनियम प्लांट्स में से जो डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं इनमें से मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सिंगोनियम के बारे में बताऊंगी। आप ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट है। इसका नाम है सिंगोनियम पोडोफिलम एल्बो वेरीगेटम। और इसके अलावा इसको वेरीगेटेड एरोहेड प्लांट भी कहा जाता है। आप ये देखिए कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं और ये कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगता है। आप ये देखिए इसके लीव्स इसी में साथ साथ ही डार्क ग्रीन भी होते हैं, लाइट ग्रीन भी होते हैं और साथ से इस तरह से वेरिगेशन भी होती है। ये प्लांट आम दूसरे जो सिंगोनिया प्लांट है, अगर आप उनको आपको उनकी केयर करनी आती है तो आप इसकी केयर भी इजीली कर लेंगे। बस थोड़ी सी डिफरेंट केयर करनी पड़ती है, वो ये कि दूसरे सिंगोनिया प्लांट के की बनस्बत इसको थोड़ी ज़्यादा ब्राइट इंडेक्स सनलाइट की जरूरत पड़ती है। वैसे तो ब्राइट इंडेक्स सनलाइट की जरूरत हमारी इसको भी पड़ती है जो पिंक सिंगोनियम है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा देर रह जाता है तब देखिए इसके कलर्स थोड़े से कम होने लग जाते हैं। लेकिन ये जो है इसको थोड़ी इन सबसे लिहाज से थोड़ी ज़्यादा ब्राइट इंडेक्स सनलाइट की जरूरत होती है। अगर आप इसको पार्शली शेड में रखते हैं यानी बहुत छन के बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान आप रखते हैं तब भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छी होती है। ये काफ़ी बुशी सा हो जाता है। इसके अलावा इसको आप और दूसरे एलोवेरा प्लांट की तरह स्टिक पर भी चढ़ा सकते हैं, तो काफ़ी यूनिक सा बहुत ही प्यारा प्लांट है। और ये प्लांट मेरे पास आए हुए एक साल से ज़्यादा हो चुका है और इससे मैंने एक से इसके दो प्लांट तैयार कर लिए हैं। ये देखिए एक छोटा सा साथ मैंने यहाँ लगा लिया था और साथ ही किया है और अब देखिए इसकी ये रूट्स निकल रही हैं, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। इस तरीके से इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ बेबीज भी निकलते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक काफ़ी देखिए मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं लेकिन उनमें ये प्लांट में अभी तक बेबीज नहीं निकले हैं, तो थोड़ी सी ज़रा सा ये इसकी केयर होती है, थोड़ा सा ये कम इसके बेबीज मेरा ख्याल है निकलते हैं। अच्छा, इसको आप स्टिक पे चढ़ा सकते हैं। अब इस तरह से ये है ना कि कोकोआ के स्टिक पे भी हम चढ़ा देंगे। अच्छा, एक बात याद रखिए कि ये जो प्लांट है अगर आप इसको देखें कि कहीं से आपको ब्राइट इंटैक्ट में रख रहे हैं और कहीं से ये इस तरीके से इसके लीव जो हैं बर्न हो रहे हैं, तो फिर आप इसको चेंज करिए। ये आपके ऊपर होता है कि आप इसको किस तरीके से रखते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई आप इसको जैसे मैंने बताया कि कर सकते हैं, आप रूट यहाँ से रूट के पास से आप यहाँ से इसको कट कीजिए और यहाँ से आप इसको अच्छी सी वेल्ड्रेन साइम लगा लीजिए, तो नीचे साइड से मजीद इसके साइड से इसकी ब्रांचेज निकलेंगी और आपका ये भी लग जाएगा। और आपको मुश्किल लगता है आप नहीं लगा सकते हैं तो आप पानी में इसको लगा दीजिए, इसके रूट्स डेवलप हो जाएंगे, ज़रा बढ़ी जाएंगे, तो फिर आप इसको अच्छी और बैलेंस हमें लगा दीजिएगा। अच्छा, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है और स्पेशली सर्दियों में थोड़ी सी इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। सर्दियों में हम इसको फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, दो से तीन महीना चार महीना आप बिल्कुल फर्टिलाइज़र ना दें, नॉर्मली इसको पानी दें। लेकिन पानी नॉर्मली मैं ये कह गई, लेकिन इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। दूसरे सारे एलोवेरा प्लांट की बनस्बत इसको पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है सर्दियों में, उनमें तो हम फिर भी डाल देते हैं। मैं भी रूट बाउंडिंग का रूट रोटिंग का मसला होता है लेकिन इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, लिहाजा इसको आपने थोड़ा सा चेक करके पानी डालना है। अच्छा, थोड़ा सा इसकी जो सॉइल आप फिंगर से टच कीजिए, सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो जाए, आपको लगे हाथ थोड़ी ड्राई, तो आप पानी डालिए। इसलिए ओवर वाटरिंग ज़रा सी ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं करता है, मैंने तो यही देखा है इसके बारे में। ठीक है, ये आपने चेक करना है। अच्छा, इसकी सॉइल आपने अच्छी बनानी है, जैसे कि आप उन्हें अच्छी जिसमें हवा पास हो सके, इसकी सॉइल ऐसी बनानी है जैसे कि अगर आपने सॉइल अपने गार्डन की ले रहे हैं वो ले लीजिए, आप पर लाइट ले लीजिए, आप इसके अलावा कोको हस जो हम कोकोनट हस होते हैं ना वो ले लीजिए, थोड़ी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल, थोड़ा सा उसमें कंपोस्ट मिला लीजिए, अच्छी ऐसी सॉइल जिसमें से हवा पास हो, वो फॉइल आप लीजिए। और पानी जब डालिए आप चेक कर लीजिए कि हाँ ये थोड़ा ड्राई हो गया, लेकिन जब पानी डालिए तो इतना डालिए कि नीचे से वो ड्रेन आउट हो, ये आप जरूर कीजिएगा। फिर आप बेशक दो दिन पानी आपको लग रहा है कि हाँ पानी है तो न डालें, तो जिसे ड्रेन आउट हो ये बहुत जरूरी है ताकि नीचे तक रूट्स को पानी मिले। बाजू का हम पानी डालते हैं ऊपर ऊपर पानी रह जाता है, नीचे पानी नहीं मिलता, तो रूट्स जो है वो ऐसा ऐसा प्लांट हमारा ड्राई होना शुरू हो जाता है, ये आप जरूर कीजिएगा। अच्छा, फर्टिलाइजर बता दिया मैंने कि बहुत ज़्यादा नहीं, आप वैसे तो इसको मंथ में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए, वो इसके लिए बहुत रहेगा, लेकिन सर्दियों में कोशिश कीजिएगा नहीं दें, इससे कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाता ये वाला प्लांट। और पॉट आप कोई सा भी ले सकते हैं, जब आपको लगे कि रूट बाउंडिंग हो रही है, रूट नीचे से निकल लेंगे, तो आप इससे बड़ा पॉट दीजिए। बहुत बड़ा पॉट छोटे प्लांट को बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है, ये आप जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा
आप जो है इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत ईजिली लग जाता है, बहुत प्यारा लगता है। और बस यही सब इसकी कहते हैं, कोई पेस्ट वगैरह अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर आप कर दें तो अच्छा ही है। नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, सब प्लांट को करते हैं तो इस पर भी कर दीजिए, लेकिन ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत क्यूट प्लांट है, और मैंने तो नर्सरीज में अभी तो कराची में एक ही दो नर्सरी में मुझे दिखाई देता तो मैंने ले लिया था। अभी आप अगर मुझसे पूछेंगे कहाँ से तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये क्या है, ये प्लांट आप ज़रूर ट्राई कीजिए, नर्सरीज में आपको मिल जाएगा, बहुत प्यारा प्लांट है। और थोड़ा सा और दूसरी सिंगोनियम प्लांट से ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इस तरह पिंक सिंगोनियम भी थोड़ा स्लो ग्रोइंग है, इसी तरह ये भी थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।